राउंडर कैसे हैं आप सब उम्मीद है कि बहुत अच्छा होंगे मैं भी अच्छी हूँ मैं प्रीति एंड भी हूँ आज के ब्लॉग स्टार्ट कर दिया आप लोग समझ ही गए होंगे किसी के बारे में ब्लॉग है तो बने रहिएगा ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है तो लाइक पहले कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं हुए हैं अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज़ प्लीज़ प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिएगा पूरा वीडियो देखने के बाद छोटा सा पहले से कॉमेंट कर दीजिएगा ले स्टार्ट है तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पापा जी हैं जैसे हमारे ससुर जी तो ससुर जी कहाँ जा रहे हैं बैग वैग लेके तो, ले तो देखिए उनके लिए तो मैं जूते लेके आई थी तो जा रहे हैं जैसे कि आपको बता दें बारात में जा रहे हैं अपने नाती के मतलब हमारी तीसरे नंबर की नंद जी हैं उनके पहले बेटे की शादी है वो भी पता है कहाँ पर <laughs> लखनऊ टू कोलकाता तो लखनऊ से कोलकाता बारात जाएगी अभी कानपुर से कानपुर टू तो लखनऊ पहले पापा जाएंगे तो पापा वहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं तो वो मेरा जूता था और वो पापा का जूता था और यहाँ पे मैंने ना कल उनतीस तारीख की भी तैयारी करी है तो सारा सामान भी मंगा लिया गुड़ है तिल है और वही लाल वाले शकरकंद है और आयुष की बुआ ने बहुत कहा था आयुष को लेके आना लेकिन आयुष को ना भेजने की तीन बजे थी जैसे कि फर्स्ट वजह ये थी कि दीपावली में और ज़्यादा इसमें कपड़े तो आए नहीं तो कपड़े भी नहीं थे पहला तो फर्स्ट यही रीजन था ठीक है तीसरा कि आप लोग जानते मैं तो जॉब करने लगी हूँ तो मैं अगर चली जाऊँगी तो पीयूष कैसे रहेगा पहले तो यही चला जाता था अपने बाबा के साथ अभी ना पीयूष कैसे घर में रहेगा अकेले बस बात यह है ये बैठे हुए हैं हाथ सेक रहे हैं ये 28 तारीख का वीडियो है जिसमें पापा तैयारी कर रहे हैं अभी खाना वाना खा के पापा भी निकलेंगे दो ढाई बजे की मतलब निकलना है उनको ट्रेन ट्रेन से जाएंगे कि बस से जाएंगे ये नहीं मतलब बस से जाएंगे शायद पहले लखनऊ जाएंगे तो ये पापा का बैग तैयार हो गया यहाँ बच्चे भी बैठे हुए हैं तो बस पीयूष का ये है पीयूष की आयुष की बुआ ने बहुत मतलब बुलाया दोनों को भेज देते लेकिन कैसे दिक्कत भी है और फिर दूसरी चीज़ आप लोग को पता है जैसे कि उनतीस तारीख़ को सकट है तो सकट पूजा में तो लड़कों का होना ज़रूरी होता है क्योंकि वो बकरा काटते हैं तो यहाँ मैंने सुबह सुबह आज मॉर्निंग में उठ के ही सारे कपड़े धो लिए थे मतलब अट्ठाईस तारीख को ही सारे कपड़े धो दिए थे तो बहुत बढ़िया निकली थी और यहाँ पापा तो मज़े से तैयारी कर रहे हैं भाई कोलकाता जाने को और कोलकाता जाएंगे ना रसगुल्ला खाएंगे मजे से और ये तो हम बाबू के जूते लाए थे मतलब हम पापा हो गए रेडी खाना वाना खा के अभी जाने की तैयारी तो यहाँ पर हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ के सभी क्या होता होगा जब कोई बाहर जाता है तो हम लोग पैर छूते हैं उनको विदा देते हैं जहाँ से मतलब वहाँ से अगर शादी वादी से कहीं से आते हैं तो भी पैर छूते है हैं हम लोग तो पैर छू कर उनकी विदाई कर रहे हैं अभी चलिए छोड़ के आते हैं रोड तक और ये अट्ठाईस तारीख का वीडियो है जैसे मैं बार बार बता रही हूँ आपको तो पीयूष रोने लगा कि शायद भैया भी जा रहा है लेकिन पीयू आयुष ना टेम्पो तक बैठाने जा रहा है तो फिर दोनों लोग जा रहे हैं दोनों भाई अपने बाबा को वहाँ तक बैठाने जा रहे हैं मैं नहीं जा रही थी और ये पापा बैठ गए हैं ऑटो में टेम्पो में बैठ गए और ये टेम्पो ले जाएगा बस अड्डे तक और अभी आपको नेक्स्ट डे का वीडियो उनतीस तारीख का ये मॉर्निंग का वीडियो है यहाँ मैंने नहावा के अपना तिल जो ना धुल के अच्छे से साफ करके धुल के फैला दिया है धूप में इसको सुखा लेंगे और वाइट वाला और ब्लैक वाला तिल ना दोनों को अच्छे से धुल के क्योंकि गरजा वर्दा भी साफ़ हो जाएगी और इसको मैं ना धूप में रख दूँगी सबसे पहले मैंने नहा के यही काम किया सारा काम मतलब उनतीस तारीख को करने के बाद नहाने के बाद ये काम कर दिया और इसको ये हो गया आप देखिए तो नेक्स्ट डे का दिखा रहा है अभी ना मैंने फिर उसके बाद मैंने फिर पूजा करी क्योंकि पूजा ये करीब हो रहा था पूजा का टाइम सुबह का बज रहा था साढ़े सात तो नहावा के मैंने पूजा कर ली क्योंकि जितनी जल्दी आप अगर व्रत में पूजा कर लेते नहा लेते ना उतनी जल्दी व्रत आपका आरम्भ हो जाता है तो यहाँ पर मैंने पूजा कर ली अभी ना सूर्य देवता को जल अर्पित कर देंगे और यहाँ पर तुलसी माता को भी जल अर्पित कर देंगे तो अभी बहुत सुबह सुबह सर भी धो सर तो धो के ही ना आएंगे ना तो सोमवार का दिन था दिन तो बढ़िया था तो यहाँ पर मैं ना बाल वाल मैं झाड़ लूँगी क्योंकि फिर अब मेरा जाने का भी टाइम हो रहा है क्योंकि चाय वह तो पीनी नहीं है क्योंकि जल रहा जाता है और यहाँ पर मैं आज दोपहर में आने के बाद दोपहर में सूख गया था ये तिल तो फिर इसको चिटकाए जाते हैं छिटकाने के बाद थोड़े से लड्डू बनाएंगे और थोड़े से बकरे बनाएंगे और फिर मैंने शाम को बनाई आलू आलू टमाटर की सब्ज़ी देखिए थोड़े से बड़े बड़े काट के आलू टमाटर की सब्ज़ी और बथरे की पूड़ी बस यही बनाना था मुझे आज यही मैंने खाने में बनाया है तो चलिए अब मैं रेडी हो जाती हूँ तो गाइस यहाँ पर ना मैंने क्या बोलते हैं तिल छिटका के या बकरे भी बना लिए बकरे इसी तरह बनते हैं तो दोनों प्लेट में बकरे बना लिए क्योंकि आयुष पीयूस का बकरा है ये बकर <laughs> तो उसमें गुड़ मिला के और यहाँ चौकी भी मैंने तैयार कर ली जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा तैयार कर लिया है आ, फूल है और शक्करकंदी है बताए फल बगाना मैं भूल गई वैसे तो फल भी चढ़ा जाता है जैसे मतलब अपनी श्रद्धा बाकी भूल के आ गई ये भी नहीं लाया मैं तो बाजार यहाँ से जा नहीं पाती हूँ और इसके बाद मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने पहनी है लाल साड़ी साड़ी बहुत दिन बाद पहनो मैं तो पहनती हूँ नहीं ना बहुत दिन बाद साड़ी पहनो लेकिन ऐसे हल्की फुल्की साड़ी पहन ली थी चलिए अब इस करते हैं पूजा और धूप अच्छी थी तो आज ठंड का तो ज़्यादा नहीं लग रहा था ठंड भी ठीक ठाक थी ज़्यादा नहीं लग रही थी ठंड की ठंड है तो चलिए अपने हाँ लोग करते हैं पूजा और चौकी मैंने पहले ही सब अच्छे से कर लिया था तैयारी और मुझे छुट्टी भी जल्दी मिल गई थी काम से तो क्योंकि पता था कि व्रत है तो इसीलिए छुट्टी मिल गई थी मुझे तो जल्दी आके और फिर मुझे जाना भी नहीं था तो यहाँ पर अपने मन से ही दी थी छुट्टी मुझे मैंने छुट्टी नहीं ली थी लेकिन हाँ अपने मन से मुझे दे दी थी छुट्टी और यहाँ पर मैंने सब गंगा जल कर दिया और जैसे कि आपको है गणेश जी की ही पूजा इसमें होती है और गणेश जी के पास गणेश जी के पास क्या बोलते हैं धूप रख दी और धूप बत्ती दिया वाती जो होता है ना सब कुछ और टीका वगैरह फूल सब कुछ भगवान जी को अर्पित कर दिया <coughs> सॉरी मेरी थोड़ी सी आवाज़ हो रही है वॉइस गला थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है मैनेज करिएगा और यहाँ पर मैं सबको कथा सुना रही हूँ जो मुझे एक कथा आती है तो रानी जीठानी की शकट संकट माता की जैसे बच्चों को बैठ के कथा सुना रही हूँ यहाँ पर आपको नहीं सुनाई पड़ेगा लेकिन पूरी कथा अगर आप लोगों को सुनाती तो बहुत लंबा वीडियो जाता ना तो कथा भी वो लंबी थी तो हंसी आ रही थी क्योंकि कथे में वो आपने सुनी होगी दरानी जेठानी वाली जो जेठानी अमीर होती है दरानी गरीब होती है ऐसा कुछ था ना बहुत अच्छी कहानी है मुझे एक ही आती है तो वही कथा मैं जो आता ना मुझे वही करती हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं बच्चे हंस रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा पार्ट है ना उसमें ऐसा तो हंसी आ ही जाती है तो बच्चे बैठे फूल लेके हाथ में फूल और तिल लेके बैठे हैं ताकि इस कहानी के बाद हम चढ़ाते हैं ना यहाँ पर चौकी पे तो वही कर रहे हैं तो कोई है ही नहीं अकेली हूँ तो अकेले ही करती हूँ अपने बच्चों के साथ तो यहाँ पर कहानी आपको नहीं सुनाई पड़ती होगी सॉरी <laughs> मुझे कहानी ज़्यादा अच्छे से नहीं आती ना इसीलिए मैंने नहीं आवाज़ तेज़ करी जो आता मैंने बच्चों को सुनाई बच्चे हंस भी रहते थोड़े अच्छे से नहीं थोड़ा सा वैसे ही सुना पाती हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा रोशनी का भी वो है ना इस पर लग नहीं रही है क्योंकि हम लोग ने इधर की साइड मंदिर के साइड ही किया तो कैमरा इधर पे नहीं आ रहा तो मैंने जहाँ लोग करना <laughs> क्या करें कैमरा सही साफ नहीं चल रहा है और कहानी यहाँ पर होने के बाद यहाँ पर हम लोग ने कर ली आरती गनेश जी की आरती कर ली और भी उसने भी सब लोग हम लोग हैं सभी लोग हैं और आप हैं इतने सारे लोग तो हैं मैं अकेले क्यों कह रही हूँ आप लोग भी तो हैं ना मेरे साथ तो तो भूल गई कि आप लोग भी हैं मेरे साथ तो यहाँ पर मैंने इन लोगों को टीका लगा दिया और आप लोगों को भी आरती दे दी सबको आरती दे दी अभी इन लोगों ने बकरा काटा पहले आयुष ने काटा मे में बोला जाता है तो मे बोल के अपना बकरा काट रहे हैं अब यहाँ पीयूष की बारी है बकरा काटने की जैसे कि ये देखिए मेह करके बकरा काट दिया भी उसने और बकरा काट दिया अब बकरा काटने के बाद इन लोग को नगर नारायण दे दिए क्योंकि बकरा कटवाई पैसे दिए जाते हैं और यहाँ पे मैंने सुहाग ले लिया अभी रात को इतना टाइम हो रहा था चांद निकली नहीं रहा था निकली नहीं तो बहुत देर में साढ़े नौ बजे चांद निकला तो जैसे कि आपको दिखाते हैं पेड़ों के पीछे एकदम लाल लाल सा चांद जैसे कि आप देख रहे हैं इस घेरे में देखिए गोले में दिख रहा है ना ऐसे ही हमारे चांद जी भगवान जी बड़ी देर में आए जैसे कर्भे में आए ना वैसे तो सबर कराते करते बहुत देर में आए तो चांद चंदा मामा को भी अर्घ दे दिया सूरज सूरज भगवान को सुबह अर्घ दिया अभी चंदा मामा को देने के बाद बच्चे मुझे ना तिल गुड़ खिला के पानी पिला देंगे मम्मी हम पिलाएंगे हमने चलो ठीक है क्योंकि हमारे लिए आपने व्रत रखा ना तो मम्मी हम लोग पिलाएंगे हमने ठीक है कोई बात नहीं तुम ही लोग पिलाओ हाँ क्या तो इन लोगों ने अपने हाथ से मुझे शकरगन और वो तिल नहीं होता तिल गुड़ खिलाकर इन लोगों ने पानी पिलाया दोनों भाई ने अच्छे से मुझे खिलाया और पानी पिलाया क्योंकि ये लोग कह रहे मेरे लिए व्रत थी ना तो इसलिए तो हम लोग का फर्ज बनता है आपको खिलाने का तो हमने ठीक है कोई बात नहीं खिला दो तो ये दोनों पैर छू रहे हैं मेरे दिख नहीं रहा ना अंधेरा लग रहा है तो हमने रोक अच्छा फिर मैंने पैर ऊपर कर लिया हमने अच्छे से अब छूओ अच्छा। अच्छे से आशीर्वाद लिया तो दोनों को आशीर्वाद दिया हमारे बच्चे और जितनी भी माए मेरी यूट्यूब की सभी लोगों को कहना मैं सभी बच्चे सब खुश रहे तो सब लंबी आई है यहीं पर हम खत्म करेंगे डी एंड करेंगे इस वीडियो को और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक तो बनता है ना तो लाइक कर दीजिएगा और न्यू है तो अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है तो अब मेरी पूजा तो ऐसी रही आपने कैसे करी आपकी पूजा आप लोग कैसे करते हो कॉमेंट करके जरूर बताना तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं जाते जाते खुद का ख्याल रखें मम्मी पापा ख्याल रखें जिनसे प्यार करते हैं उनका ख्याल रखें ओके फैमिली लव यू बाय बाय